नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से समय को बिता रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि इस क्वारंटीन के टाइम को कैसे यूजफुल और प्रोडक्टिव बनाया जाए, और वो भी हर राशि के हिसाब से, कि डिफरेंट राशि के लोग क्या करें जिससे उनका ये टाइम प्रोडक्टिव बन जाए। चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। एरीज, आप स्पोर्टी पर्सन हैं, आपके लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, जो आजकल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप एक्सरसाइज और इंडोर गेम्स अवश्य खेलें। दूसरा, आप अपनी डाइट पर काम कर सकते हैं, यू कैन ट्राई टू अडॉप्ट अ न्यू डाइट प्लान। तीसरा, आप कर सकते हैं रीच आउट टू योर ओल्ड फ्रेंड्स, ऑफकोर्स वर्चुअली, फोन पर बातें करें आप अपने पुराने दोस्तों को, आपको अच्छा महसूस होगा। टॉरस, आपका टॉरस यानी वृषभ राशि, आप काम करेंगे अपने गार्डन में, पौधों का ख्याल करें। यदि आपके घर गार्डन नहीं है, आपकी बालकनी में जो पौधे हैं उनका भी आप ख्याल रख सकते हैं। दूसरी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको मेंटल खुराक जरूर चाहिए होती है, सॉल्व पजल्स, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और तीसरी बात हो सकती है कि आप नई नई रेसिपीज अवश्य ट्राई करें, बहुत अच्छी तरह आपका जो टाइम है वो पास होगा और प्रोडक्टिव भी होगा। तीसरी राशि जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप एक नई बुक पढ़ना कोई शुरू करें, कोई भी नई लैंग्वेज सीखना शुरू करें। तीसरी बात, आप सबसे पहले आप बुक पढ़ें, दूसरी आप कोई नई लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, और तीसरी बात ये कि अपने पुराने दोस्तों के साथ या अपने सोशल सर्किल को रिवाइव रखें, लोगों से बातचीत करते रहें। डू नॉट फॉल अपार्ट, एकदम ये ना हो कि आप अपने दोस्तों से ही बातचीत करना छोड़ दें, तो कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके लिए है कि आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सामान इधर कीजिए उधर कीजिए, घर में ही जो सामान है उसको ही थोड़ा सा नए तरीके से सजा लीजिए, अपने रिज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं, वेरी गुड एडवाइस फॉर वर्किंग पीपल, अपने रिज्यूमे को अपडेट करें, और आप लोगों को फूड वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा काम कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लियो यानी कि सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज आपको इंस्पायर करती है, जो एक्टिविटी आपको इंस्पायर करती है, डू दैट ओनली, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। आप अपने लुक के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप क्वारंटाइन से निकल के जब बाहर जाएं तो लोग कहें वाओ व्हाट अ प्लेजेंट चेंज, तो अपने लुक्स को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। डोनेशंस इस समय में आप अवश्य करें, ये भी आपके लिए एक बहुत प्रोडक्टिव काम होगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आप अपनी क्लोजेट ऑर्गेनाइज करें, अपने घर को साफ सुथरा करें, जो टाइम आप नहीं दे पा रहे थे, तो नाउ गिव टाइम टू योर होम, मेडिटेट करें, मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन टीच ऑनलाइन और यू कैन रिसर्च ऑनलाइन, खाली टाइम में या तो अपनी स्किल लोगों को सिखाएं या फिर कुछ और नई चीज रिसर्च करें। अब बात होगी सातवीं राशि लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए आप एक नेचर लवर हैं, आपके लिए लॉन्ग वॉक्स, फ्रेश एयर आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि शायद बहुत लोग आप आजकल नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपके लिए मैं कहूंगी घर में ही एक्सरसाइज करें, और सबसे अच्छा कर सकते हैं कि घर के हाउस होल्ड काम करें, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, थोड़े आप क्रिएटिव भी फील करेंगे और मोनोटनस भी नहीं होगा, बोर्डम भी नहीं होगा। सो जस्ट ट्राई एंड हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स। आई नो आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है ये, और आप लोगों की मदद तो अवश्य कर ही सकते हैं अपने घर में, अपने लोगों की हाउस होल्ड के जो काम होते हैं घर के, उनमें मदद अवश्य कीजिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, यू कैन काउंसिल अदर्स, आजकल सब परेशान है, सबको काउंसलिंग की जरूरत है, बी अ काउंसलर, आप अच्छी सलाह दे सकते हैं। दूसरी बात है कि अपने दोस्तों से, मित्रों से, वर्किंग जो आपके साथी होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, उनको भी आप इंस्पायर करने के लिए लगातार टाइम टू टाइम बात करते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर सकते हैं, गो इनसाइड, गो एंड इंट्रोस्पेक्ट, या मैं कहूंगी अंदर जाकर देखिए आप अपनी साइकी
जो कैपेसिटीज हैं उनको बढ़ाने का काम कर सकते हैं. यू कैन वर्क ऑन योर इंट्यूशंस इन दिस क्वारंटाइन. सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके लिए सबसे अच्छा होता है रीड अ बुक ऑन माइथोलॉजी, रिलीजन और किसी की ऑटोबायोग्राफी. ऐसी चीज करने से आपके मन को बहुत अच्छा फील होता है एंड यू फील एक्टिवेटेड. दूसरा काम आप कर सकते हैं, म्यूजिक सुने. म्यूजिक इज अगेन वेरी सूदिंग फॉर यू. पॉसिबल नहीं है बहुतों के लिए, लेकिन जिसके लिए पॉसिबल हो फिशिंग कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू लव इट. अब बात होगी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले, आपके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट कमिट योर सेल्फ फॉर अ कॉज. आप इस क्वारंटीन में स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह आप सोशल कॉज के लिए खुद को कमिट कर सकते हैं. ये आपकी एक लर्निंग भी होगी. दूसरा काम आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, घर की बाउंड्रीज में रहना सीखिए. और तीसरा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. वर्क पर अगर जाना पड़ता है तो स्टे सेफ एंड अलर्ट. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके लिए तीन बार कहूंगी मेडिटेट मेडिटेट एंड मेडिटेट. इस वक्त मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू टू मेंटेन योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. दूसरा, आप अपनी इनर जर्नी पर अवश्य जाएं. इनर जर्नी आई ऑलवेज से काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आत्मा परमात्मा को समझने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा समय है. आप इन सब के अलावा अपने लुक्स पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं. यू कैन ट्राई अ डिफरेंट हेयर स्टाइल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि. मीन राशि वालों, आपके लिए सबसे ज्यादा एडवाइज होगा कि आप ऐसा कोई काम करें जो आपको नॉस्टैल्जिक बनाता है, जो आपको आपके बचपन में ले जाता है. चाहे वो बोर्ड गेम्स हैं, चाहे वो पुराने दोस्तों से बातें करना है, चाहे अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ पुरानी बातें याद करनी है, हंसना है. ये आपको बहुत अच्छा, लाइट और हेल्दी बनाएगा. दूसरी आपके लिए एडवाइस होगी कि आप नए दर्शन, नई फिलॉसफीज को पढ़ने की कोशिश करें. अपने रिलीजन के जो बिलीफ्स हैं उन पर दोबारा काम कर सकते हैं. तीसरी बात बहुत अच्छी है, राइट सम पोइट्रीज. यू कैन राइट सम पोइट्रीज जो कि आगे आपको लगेगा कि ओ, मेरे अंदर ये भी टैलेंट था. सो दिस वॉज ऑल फॉर ऑल द 12 साइंस. मेरे प्रिडिक्शंस मून साइन पर बेस्ड हैं, तो अपनी चंद्र राशि देखिए, मून साइन देखिए और जानिए कि आपको क्या करना है. Thank you so much.